back to my channel, which is Catch Up to Ketchup with Amrita. तो आज की रेसिपी क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अपना ध्यान रखिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम बना रहे हैं रवा मसाला डोसा, और यहाँ पे मैंने हाफ कप रवा ले लिया है जिसे सूजी कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1/3 कप मैदा है, और यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप चावल का आटा है, राइस फ्लोर। और ये आज हम एक मज़ेदार चटनी के साथ खाएंगे। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए सब्ज़ी के लिए, और यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं फ्रेश कटा हुआ प्याज है, हरी मिर्चें और हरा धनिया है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्चें, कुटा हुआ अदरक, थोड़ा नारियल फ्रेश, और मूंगफली और टमाटर है। तो ये हम डालेंगे सब्ज़ी में जो हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, और कुछ कड़ी पत्ता है, आपके पास अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। और इसकी हम अभी चटनी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है ये रवा मसाला डोसा के साथ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो गाइज़ ये रहा टमाटर, मैंने 2 बड़े ले लिए हैं और मैं इसे काट लेती हूँ। जैसे भी आप मीडियम साइज़ या किसी भी साइज़ में आप चाहें तो इसे काट सकते हैं। काट के इसे हमें सिंपली ब्लेंड कर लेना है, और गार्लिक के साथ और हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप चाहे नमक ब्लेंडिंग के टाइम डाल लें या बाद में डाल लें। तो ये मैं चॉप कर लेती हूँ टमाटर को, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये रवा मसाला डोसा, बहुत ही अच्छा एक झटपट बनने वाला डोसा है। आप लोगों को मे भी आता हो नहीं आता हो, बट काफ़ी लोग की शिकायत होती है मुझसे, बोलते कि हमसे नहीं बनता या हमारे तवे पे चिपक जाता है, इस टाइप की शिकायत रहती है। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ आप उसे फॉलो करिएगा। यहाँ पर मैं लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर दें, अदरक डाल लें तो, बट लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे जो कुछ हरी मिर्च चॉप की हुई है वो ऐड करूँगी, और अभी मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर बाद में नीड होगी तो हम ऐड कर लेंगे, अभी तो बस थोड़ा सा ही हम अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। और ये यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्च ऐड कर दिया, आप जितना तीखा खाते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, और मैं इसको एक छोटी सी कटोरी में बोल में निकाल लेती हूँ, और आप ये देख सकते हैं इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ये बहुत अच्छा गाढ़ा एकदम चटनी बन के रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बैटर बनाएंगे जो हमारे डोसे का बैटर होगा। तो ये मैंने 1/2 कप रवा यानी कि सूजी ऐड कर दिया है, और यहाँ पे ये मैंने 1/3 कप मैदा ऐड कर दिया है, और ये मेरा 1/4 कप मेजरमेंट कप से ये मेरे चावल का आटा। और अब इसमें मैं ये हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च जो काट के रखे थे वो मैं ऐड कर देती हूँ, और इसका एकदम पतला एक बैटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ, ये रहा एज पर टेस्ट, इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं जाता बट फिर भी थोड़ा नमकीन तो होना चाहिए। तो ये हमने डाल दिया, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, जैसे जैसे हमको नीड होगी हम वैसे वैसे इसमें ऐड करते रहेंगे। और इसका जो बैटर होता है गाइस बहुत ही पतला होता है, एकदम पानी जैसा, और इसको हमें रेस्ट करने के लिए रख देना होता है कम से कम 10 मिनट के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा, मुझे भी पानी और चाहिए, तो ये मैंने 1/2 कप के बराबर और पानी ऐड कर दिया। ये जितना मैं आपको बैटर बता रही हूँ इसमें से कम 6 से 7 डोसा आराम से बन जाएगा। तो हम खाने वाले 4 ही हैं, तो
आज हमारे लिए तो कंप्लीट मील है, और ये बहुत फ़ायदा करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये नुकसानदायक डोसा है। ये चावल का डोसा नहीं है गाइस, ये रवा का डोसा है, सूजी का डोसा है, और बहुत ही ये फ़ायदा करता है। ये मैंने इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून। क्यूमिन सीड से बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मज़ेदार रवा डोसा चाहते हैं, एकदम परफेक्ट, उसमें अच्छी खुशबू आए, अच्छा बने, तो जीरा आप ज़रूर डालिएगा इसमें, सफ़ेद जीरा, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैं विस्कर से, ये विस्क कर लिया है, और इसको हम अभी 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो गाइस, सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन हीट करने के लिए रख दिया है गैस पे, और यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है, और हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसके गर्म होने का। और ये इसमें हल्का हल्का जो है धुआं निकल रहा है। गाइस, ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है। जो डोसा लवर है उन्हें पसंद ज़रूर आएगा, बहुत आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के बराबर राई ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं ये कितना स्प्लैटर हो रहा है, और राई को आप क्या कह सकते हैं, आप काला सरसों। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रेश नारियल काटा हुआ था वो ऐड कर दिया, मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक, ग्रेटेड अदरक, और मैंने टमाटर जो काटा हुआ था एक छोटा वो मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें नारियल जो है वो भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसमें ये मूंगफली जो है ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, अगर आपको नहीं ऐड करना तो आप नहीं कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आप चाहें तो इसमें उड़द की दाल, जिसका हमने दही बड़ा बनाया था, उड़द की दाल, और ये हमने अब कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है इसमें, फ्रेश कड़ी पत्ता धोकर आप इसमें ऐड कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें उड़द की दाल और चने की दाल आप इसमें फ़ौरन में डाल सकते हैं, मीन्स छौंक में डाल सकते हैं, वो भी साउथ इंडियन कुजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने यहाँ पर राई डाला है, ग्रेटेड अदरक, टमाटर, और ये मूंगफली और नारियल और कड़ी पत्ता और टमाटर एक छोटा ही लिया है। इसको हम भूनने तक वेट करेंगे। और यहाँ पे अब मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून, और ये मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून। तो इस मसाले को अब हम अच्छे से भूनेंगे, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं ना एकदम एक मल्टी मतलब मल्टी पर्पस वाला एक खुशबू आ रहा है, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो मूंगफली भी की भी खुशबू आ रही है, टमाटर का भी खुशबू आ रहा है, और इसमें गोले की भी खुशबू आ रही है, नारियल और ग्रेटेड अदरक, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मीन्स एक मल्टी खुशबू आ रही है इसमें से। और अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करें, और ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। जी हाँ, आप इसमें, ये अब आलू है, मैंने यहाँ पे 5 छोटे छोटे आलू ले लिए हैं, इन्हें कुकर में 3 सीटी लगा ली थी नमक डाल के, तो इन्हें मैं फोड़ के इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले से मैश करके रख दें बोल में और फिर आप उसको ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही हाथ से मसल कर, हाथ से मैश करके डाल दिया, और ये सब्ज़ी अब आप मान लो ऑलमोस्ट बन गई। बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। आप चाहे तो इसमें अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें अनियन नहीं ऐड किया है, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप अनियन ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ये देखिए आलू को बहुत अच्छे से अब इसको आप फ्राई कर लें मसाले के साथ। ये देखिए, देखिए आप इसका कलर देखिए, और खुशबू मैं आपको नहीं बता सकती, जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। और ऐसे हाथ से थोड़ा सा
आप इसे फोड़ते फोड़ते जाएं, जिससे आपका आलू एकदम थोड़ा सा ना टेंडर हो जाए और मैशी मैशी हो जाए, मसाले में ना अच्छे से डांस करने लगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से आप इसे फ्राई कर ले, और आपने देखा इसमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप कढ़ाई छोड़ने लग जाता है। तो ये ऑलमोस्ट पक ही गया है, ये अपने आप जो नीचे से पैन को छोड़ने लगा है, छोड़ना शुरू कर दिया इसने, और बस मैं 1-2 मिनट और भूनूंगी, बस फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगी कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है, और आपने ट्राई किया कि नहीं किया कुछ, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। ये सब्जी आप देख सकते हैं बन गई है, मैंने आपको दिखाया, वाह बन चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ये सब्ज़ी बन गई है और आप देख सकते हैं ये प्लेंटीफुल सब्ज़ी है, सब 5-6 लोगों के लिए। ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें, तो अब आप इसको अच्छे से मिला ले। अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाएगा, बस इसे 1 मिनट और भूनेंगे और डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कढ़ाई कितनी अच्छी तरीके से छूट गया है और सारा तेल भी सोख कर लिया है, और ये कड़ी पत्ते की और ये जो राई की खुशबू आ रही है ना, काले सरसों दाने की खुशबू, अदरक की खुशबू, यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना। वाह अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये रहा एक छोटू सा प्लेट और इसमें मैं ये डिश आउट करती हूँ। देखकर तो आपका मन हो रहा होगा, लग रहा होगा कोई बना दे, बट आप खुद बनाइए ना, आप खुद बनाएंगे तो आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी को भी आप इम्प्रेस कर सकते हैं इस यमी से आलू की सब्ज़ी और रवा मसाला डोसे के साथ। सोचिए कितना कितना मज़ा आएगा जब आप नाश्ते में बना कर ही सर्व करेंगे गर्मा गर्म, और ये झटपट बन जाता है ज़्यादा। तो गाइस आप देख सकते हैं सब्ज़ी को मैंने डिश आउट कर लिया और ये बहुत यमी लग रहा है। तो अब चलते हैं डोसे के बैटर की तरफ, और ये मैं थोड़ा सा हिला लेती हूँ, थोड़ा सा विस्क कर लेते हैं, और इसमें इसको हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था ढककर, तो आप ये 15 मिनट के लिए ज़रूर रखिए, उतनी देर तक आपका जो सूजी है वो थोड़ा फूल जाएगा क्योंकि वो फूलने में टाइम लेता है। और ये आपको पीछे जो रेड रेड दिख रहा है वो वही टेस्टी वाला टमाटर की चटनी है जो हम सर्व करेंगे डोसे के साथ। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया, और इसे हम अब दोबारा से मिला लेंगे। अगर आपको बैटर थिक लगे तो आपको पानी ऐड करना ही पड़ेगा, तो आप हाफ कप कर कर के इस तरीके से आप देखिएगा। तो अब मैं जो है पैन यहाँ पे मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, और मैं इस पर एक ब्रश से ऑयल लगा लेती हूँ। तो ये मैंने जो है ऑयल इस पर मल लिया पैन पे, ये देखिए, ये मेरा नॉनस्टिक है जो टिपिकली डोसा जो बनता है वो आयरन कास्टिंग वाली पैन में तवे पे बनता है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो नॉनस्टिक है कोई बात नहीं, आप उस पर बनाएं बहुत अच्छा बनता है, बट नॉनस्टिक में ही अच्छा बनता है। तो ये मैंने देखिए, एक चीज़ आपको बता दूँ, जब तक पैन एकदम गरम तपता हुआ धुआं ना बन जाए ना आप मत डालिएगा। आप ये देख सकते हैं इसमें जो ये छींटे बन रहे हैं, इसमें जो ये बबल्स आ रहे हैं, यही बबल्स हमें चाहिए। जब तक ये बबल्स नहीं आएगा तो आप मत समझिएगा, आप सोचिएगा कि आपका बैटर अभी भी परफेक्ट नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कप पर करीब से दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें कितने बढ़िया तरीके से बबल्स आ रहे हैं। ये अभी आपको पतला लग रहा होगा, ये धीरे 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 अपने आप पक जाएगा, और इसका मीडियम जो है आँच जो है मीडियम पे आपको रखना है, फुल पे मत कर दीजिएगा क्योंकि फुल पे करने से ये नीचे से जल्दी से जल सकता है और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से बबल्स बन रहे हैं,
आप प्लीज़ इसको नोटिस करिए। तवा एकदम अच्छे से गरम करना है, उस पर ऑयल लगाना है जैसे मैंने ब्रश से करा, या आप किसी भी चीज़ से ऑयल लगा सकते हैं। और फिर आपको एकदम से बैटर इसमें डाल देना है। ये आप देखिए कितना बढ़िया बना है, और आप देख रहे हैं इसमें कैसे बबल्स बन रहे हैं। यही बबल्स हमको चाहिए। अभी मेरा मीडियम फ्लेम पे आँच है, ये देखिए। प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ये रवा डोसा, सूजी डोसा बनाना। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल जो है, ये देखिए, ऐसे करके इसमें डाल दूँगी जी। तो आपको भी जो है हाफ टी स्पून ऑयल इसके ऊपर डाल देना होगा, और थोड़ा सा पैन को ना ऐसे ऐसे घुमा दे जिससे वो ऑयल एक जगह ना बैठ जाए, वो पूरे में जाए। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें क्रैक्स बन गए, बबल्स कितने अच्छे से बन रहे हैं, इस पर कितने अच्छे से क्रैक्स बन गया है। तो ये पक रहा है धीरे धीरे, तो हम इसको टाइम देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है बनाने में, हम इसे टाइम देंगे और ये आराम से बनेगा। ये देखिए, अब आपको अंदाज़ा हो गया। ये देखिए, ये आपको साइड से वाइड से जहाँ से जो भी दिख रहा है ना, ये सब बीच में जो ये एकदम क्रिस्पी सा हो गया ना डोसे का, मतलब जो एक लेयर होती है वो बन चुका है। ये देखिए परफेक्टली अब ये बन गया है। और अब हम ये देखिए, ये देखिए, आप देख रही कैसे कैसे स्पैचुला नीचे गया और कैसे ये अब पलटेंगे। अब ये देखिए, ये पूरा पूरा, वाह, ये देखिए क्रिस्पी, एकदम गरम गरम क्रिस्पी डोसा। आय हाय यार, ये देखिए मज़ेदार क्रिस्पी डोसा बनके रेडी है। मेरा पहला डोसा आप लोगों के सामने हाजिर है। ये देखिए, अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ। आय हाय, क्या ज़रूरत है बाहर जाके खाने की, घर पे बनाओ ना यार। ये बन गया मेरा पहला डोसा। अब हम चलते हैं दूसरे डोसे की ओर। तो ये गरम पैन में मैंने दूसरा बैटर जो है डाल दिया, एकदम से स्प्लैटर होना है। ये देखिए बबल्स तुरंत बनने चाहिए, आप जैसे गर्म तवे में डालें तो इस तरीके से स्प्लैटर होना चाहिए। ये देखिए, तो ये मैंने दूसरा बैटर भी इसमें रख दिया है। और अब मैंने आँच जो है पहले कम कर दिया था, बट अब मैंने मीडियम पे कर दिया है। थोड़ा सा इसको इधर उधर कर दे कहीं पे, जैसे अनइवन ना रहे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये डोसा कितना सही बन रहा है। और ये इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। गाइस, मैंने जैसे बताया आप प्लीज़ वैसे ही बनाइएगा। ये देखिए, ये काफ़ी हद तक बबल्स आ चुके हैं, और जैसे ही ज़्यादा बबल्स आ जाए, बीच में क्रैक्स आ जाए, आपको इसको ड्राई नहीं छोड़ना है, आपने तुरंत इसमें हाफ टी स्पून ऑयल फैला देना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको ऑयल जो है फैला देना है। ये देखें, ये देखें, हाँ जी, ये देखें, वाह, देख रहे हैं कैसे इसमें स्पॉट्स और ब्रेक और क्रैक पड़ गया है। इसे कहते हैं डोसा, घर में बना हुआ ताज़ा एकदम फ्रेश डोसा, बाहर से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट डोसा बनके रेडी है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुका है, इसके किनारे छूट चुके हैं। गाइस, जब तक इसके किनारे ना छूट जाएं, आप इसको प्लीज़ मत छेड़िएगा, आपका डोसा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जब अपने आप ऊपर से पक जाएगा, ये अपने आप किनारे छोड़ देगा। आप ये देख रहे हैं, मैंने अभी वहाँ से स्पैचुला लगाया जहाँ से, तो वहाँ पे अभी नहीं पूरी तरह से पका है, वरना ये उठ जाता। बहुत ध्यान से, जी जी, ऐसे ऐसे, पहले आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है छुटा लें, पैन से अलग कर लें।
ये देखिए, हाँ जी ये देखिए, ये देखिए ये पूरा परफेक्टली कुक हो चुका है। ये देखिए मेरा स्पैचुला बहुत आराम से दिख रहा है, ये देखिए हाँ परफेक्ट परफेक्ट। और ये मैंने बीच में एक कुछ भी रख लिया आप, और इसको ये फोल्ड कर दें। आप चाहे तो डोसे का मसाला इसके बीच में ऐड कर सकते हैं, बट उससे थोड़ी मॉइस्चर आ जाता है, डोसा क्रिस्पी नहीं रहता है, तो मुझे पसंद नहीं है, या मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है, हम लोग अलग ही सर्व करते हैं। और ये क्रिस्पी डोसा बन के रेडी है, दूसरा भी मैंने बना लिया है, आप ये देख सकते हैं। और गाइस जैसे मैंने बताया, आप प्लीज़ वैसे ही बनाइएगा। आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए बन के रेडी है, और ये मैंने बनाना लीफ में ट्रेडिशनल वे में इसको मैंने सर्व किया है। ये रहा क्रिस्पी डोसा, परफेक्ट डोसा बना है। ये देखिए इसका कलर देखिए, और इसमें हरा धनिया प्याज कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने ये टमाटर की टेस्टी चटनी रखी है, और ये रही सब्ज़ी। तो गाइज़ अपना ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक मेरा ज़रूर वेट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, बाय।